हिजाब विवाद देखते देखते कर्नाटक से निकलकर कब पूरे हिंदुस्तान पर छा गया पता ही नहीं चला। मामला कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, वकीलों में हर रोज गर्मा गर्म बहस होती है, लेकिन सड़कें भी कम गर्म नहीं है। हुआ यह है कि अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इसमें कुछ पुलिसकर्मी हिजाब के लिए प्रदर्शन करती महिलाओं पर लाठी बरसाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो गाजियाबाद के खोड़ा पुलिस स्टेशन इलाके का बताया जा रहा है। 30 सेकंड के वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मौके पर करीब 8-10 महिलाएं मौजूद हैं। तभी पुलिस वहां आती है। पहला डंडा एक लड़के के ऊपर पड़ता है, वो पतली गली पकड़कर निकल लेता है। महिलाएं कुछ समझ पाती कि पुलिस वाली मैडम पैरों पर लाठियां चटकाने लगती हैं। अब यहां से पुलिस ने महिला पुरुष के बीच का भेद मिटा दिया था, बराबर लाठियां चल रही थी। महिलाएं विरोध भी करती हैं, मगर तब तक कई लाठी लग चुकी थी। पुलिस वालों में शामिल महिला पुलिसकर्मी बुर्का पहने इस महिला से धक्का मुक्की करती है। एक महिला तो उनसे जाकर भिड़ जाती है, पुलिस की लाठी तक पकड़ लेती है। इतना वाक्या हुआ और पुलिस का ये व्यवहार कई लोगों को कतई नागवार गुजरा। कुछ ने सवाल किया तो कुछ ने सीधे पुलिस की तालीम पर सवाल उठा दिया। शाह अहमद नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, मेरे देश में अब हक की आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि उससे प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की वजह से कार्रवाई की गई थी। उसके मुताबिक बीती 13 फरवरी को खोड़ा के शनि बाजार रोड पर कुछ लोग प्रदर्शन करने आ गए। पुलिस जब मामले का पता लगाने गई तो पता लगा कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। ये पुलिस का वर्जन है, वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पहले पुलिस ही लाठी चलाती है, मगर पुलिस ये कहती है कि इसी वजह से कार्रवाई की गई। पुलिस ने ना सिर्फ लाठी फटकारी बल्कि ड्यूटी पर पुलिस वालों से मारपीट, सरकारी काम में बाधा और गाली गलौज का केस भी लाद दिया। इलाके के सीईओ अभय कुमार ने बताया कि घटना रविवार को हुई थी। जब पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी तभी उन्होंने 10-15 महिलाओं को विरोध करते देखा था और उसके बाद ही पुलिस ने कहा कि हमने धारा 144 लगाने का निर्णय लिया, समूह को तितर बितर किया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मगर सवाल तो पुलिस के रवैये पर भी है, जिसका जवाब पुलिस से देते नहीं बनता। ये खबर आपके लिए लिखी थी धीरज ने। मेरा नाम है अभिनव पांडे, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।